नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल एफएस ज्ञान में। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे अनुरोध है, इस वीडियो को आप लोग फुल स्क्रीन करके ही देखिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार के वीडियो को मैं अपने मोबाइल के माध्यम से ही बनाता हूं, ताकि सभी लोगों को ये बहुत ही आसानी से समझ आ सके और आप अपने मोबाइल के माध्यम से ही ये सारे काम कर सके। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि यदि आपने अभी तक सिस्को वेबएक्स को अपडेट नहीं किया है तो आप लोग सिस्को वेबएक्स को अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद आपके मोबाइल में इस प्रकार का सिस्को वेबएक्स दिखाई देगा, जो अपडेट हो चुका है, मैंने अपडेट कर लिया है, और आपने अभी तक अपडेट नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाकर सिस्को वेबएक्स लिखिएगा। उसके बाद जो एप्लीकेशन आएगा उसमें अगर अपडेट लिखा है तो अपडेट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको सिस्को वेबएक्स को ओपन कर लेना है। जैसे ही सिस्को वेबएक्स को ओपन करेंगे तो आपके मोबाइल में इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां से आपको वीडियो को बहुत ही सावधानी से और बारीकी से देखना है, क्योंकि सिस्को वेबएक्स में जब हम ऑनलाइन क्लास के लिए या फिर किसी प्रकार के मीटिंग के लिए शेड्यूल बनाते हैं तो यहां पर कई बार समस्या ये आती है कि लिंक जो है शेयर नहीं हो पाता है। जी हाँ, लिंक को हम शेयर तो करते हैं, लेकिन वो जो लिंक होता है वो शेयर नहीं हो पाता है, केवल बेसिक जानकारी ही शेयर हो पाता है। तो इस समस्या से हम कैसे निपटें, मतलब हम जब लिंक को शेयर करें तो बहुत ही सरलता से लिंक भी शेयर होना चाहिए, तो इसके लिए आज मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से शेड्यूल बना सकते हैं और उस शेड्यूल के लिंक को शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत बारीकी से देखिएगा। यहां पर देखें, मैंने क्लिक किया है तो यहां पर मुझे शेड्यूल बनाना है। अब सबसे पहले आपको एक और ध्यान देना है, शेड्यूल बनाने के लिए चाहे तो आप ये जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है उस स्क्रीन को क्या करिएगा, आप लोग ऐसे बगल सरकाएंगे ना, इसको अगर आप ऐसे बगल सरकाते हैं तब भी आपको यहां पर देखिए ऊपर में आपको प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, उस प्लस के निशान को आप क्लिक करेंगे तो भी आप शेड्यूल बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहां इसी मेथड से बता रहा हूं, यहां पर देखिए ऊपर में आपका नाम लिखा होता है, आप इसको मिटा दीजिएगा और इसके जगह आप जिस क्लास से संबंधित ऑनलाइन क्लास लेने वाले हैं उसका टॉपिक यहां पर लिख सकते हैं। चाहे तो आप अपना नाम भी रख सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर आपको ये सजेशन दूंगा कि यहां पर आप उस टॉपिक को लिख दीजिएगा जिस टॉपिक पर आप क्लास लेने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी। तो यहां पर जैसे मैं बीजी व्यंजक से संबंधित क्लास लेना चाहता हूं तो यहां पर मैं बीजी व्यंजक लिख दूंगा, ठीक है। और आप चाहे तो कक्षा भी लिखना चाहते हैं तो जिस कक्षा से संबंधित आप क्लास लेना चाहते हैं तो उस कक्षा को भी आप क्या करिएगा यहां पर लिख दीजिएगा। जैसे मैं कक्षा आठवीं के लिए लेना चाहता हूं तो यहां पर मैं लिख दूंगा कक्षा आठवीं। तो इस प्रकार आप बहुत आसानी से शेड्यूल को बहुत ही सावधानीपूर्वक बनाइएगा, ताकि आपको किसी प्रकार के लिंक को शेयर करने में कोई परेशानी ना हो। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहां नीचे में देखिए पासवर्ड जो है विशेष प्रकार का लिखा होता है, कुछ विशेष प्रकार से लिखा होता है, उसको आपको क्या करना है, डिलीट करना है। और यहां पर आपको एक सिंपल सा पासवर्ड बना देना है, 1 2 3 4 5 ऐसा कोई भी। उसके बाद नीचे देखिएगा आपको यहां पर डेट तय करना होता है, जैसे मुझे 2 तारीख को अगर क्लास लेना है तो मैं 2 तारीख को क्लिक करूंगा। उसके बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको समय को बहुत ध्यान से सेट करना है। यहां पर अक्सर गलती होता है, जैसे मैं 9:30 बजे लेना चाहता हूं और सुबह क्लास लेना चाहता हूं तो इसको सेट करने के बाद देखिए ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा AM और PM, इसको सेलेक्ट करना बहुत अनिवार्य है। यदि आप सुबह क्लास ले रहे हैं तो AM क्लिक होना चाहिए और यदि आप शाम को क्लास ले रहे हैं तो PM सेलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप नीचे में देखिए सेट लिखा है, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा, लेकिन आपको AM और PM को बहुत सावधानीपूर्वक सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए यहां पर ड्यूरेशन लिखा है, ड्यूरेशन को आपको हमेशा 0 रखना रहता है, क्योंकि हम 1 घंटे का क्लास नहीं ले सकते तो 0 लिखेंगे। और नीचे में देखिए बगल में मिनट लिखा है, इसको आप क्या करिएगा, अधिकतम आप 50 मिनट का क्लास ले सकते हैं तो आप यहां पर 50 मिनट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप 40 मिनट का क्लास लेना चाहते हैं तो 40 मिनट को सिलेक्ट करिएगा। और ऊपर में देखिए शेड्यूल लिखा है, उस शेड्यूल को आप क्लिक कीजिएगा तो आपका शेड्यूल बनकर तैयार हो जाएगा। और इस प्रकार आपने बहुत आसानी से शेड्यूल बना लिया। लेकिन ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है, इस शेड्यूल को आपको शेयर करना है। और यहीं पे समस्या आती है कि हम जब शेड्यूल को शेयर करते हैं तो शेड्यूल जो है शेयर नहीं हो पाता, और वहां पर हमें क्या होता है, केवल बेसिक जानकारी ही शेयर हो पाता है। तो हमें इसके लिए क्या करना है उसको ध्यान से देखिए। यहां पर मैं आपको पहले शेयर करके बता देता हूं, ऊपर में देखिए शेयर का निशान दिख रहा है। जैसे मैं कोई भी नंबर में शेयर कर देता हूं, मैं अपने ही किसी दूसरे नंबर में शेयर कर देता हूं, ये देखिए यहां पर मैंने अपने किसी दूसरे नंबर में शेयर कर दिया। जैसे ही शेयर करता हूं तो ये देखिए यहां पर लिंक नहीं आया,
केवल जो मैंने शेड्यूल बनाया है उसके बारे में जानकारी आया है, लेकिन यहाँ पर लिंक नहीं आ पाया। तो हमें क्या करना है, हो सकता है पुनः हम एक बार और शेयर करें, शेयर करके देखते हैं। इसके बाद भी यदि आपसे शेयर नहीं हो पाता है लिंक जो है, तो आपको क्या करना है मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। ये देखिए मैं पुनः शेयर कर रहा हूँ और यहाँ पर भी लिंक नहीं आया, ये देखिए। तो हमें क्या करना है, तो मुझे पुनः शेड्यूल में जाना है। ये देखिए मैं पुनः अपने शेड्यूल में आ गया हूँ। अब यहाँ पर देखिए आपको सबसे नीचे में आना है। नीचे में आने के बाद यहाँ पर देखिए URL लिखा है और इसमें बगल में देखिए छोटा सा निशान दिखाई दे रहा होगा डिब्बा टाइप का, वो है कॉपी करने का। उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो ये जो लिंक है वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। देखिए कॉपी लिखा है। अब आपको क्या करना है, इसी लिंक को जहां पर आपने अभी व्हाट्सएप में शेयर किया था उसी नंबर में जाना है और यहां पर इसको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आएगा, फिर आपको क्या कर देना है, यहां पर पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे ये देखिए यहां पर लिंक जो है शेयर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी लिंक को CG स्कूल पोर्टल में या कहीं पर भी क्या करना है, पेस्ट करना है। तो इसके लिए हमें इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने पर देखिए ये लिंक हो गया। अब इसी लिंक को हमें क्या करना है, CG स्कूल पोर्टल में पेस्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें CG स्कूल पोर्टल को ओपन करना है। तो हम ओपन कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको CG स्कूल पोर्टल में पेस्ट कर देंगे। तो यहां पर देखिए CG स्कूल पोर्टल को आप पहले लॉगिन कर लीजिएगा। अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से आप यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। ये देखिए मैंने लॉगिन कर लिया। अब यहां पर आपको क्या करना है, शिक्षक के कार्य को क्लिक करना है, शिक्षक को क्लिक करना है। शिक्षक को क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में 3 लाइन दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए इसको क्लिक करना है। इसके बाद आपको शिक्षक के कार्य यहां पर दिखाई देगा, उसको क्लिक करना है। शिक्षक के कार्य को क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है। यहां पर देखिए ऑनलाइन क्लास और मेरे ऑनलाइन क्लास लिखा है, तो आपको ऑनलाइन क्लास को क्लिक करना है। जैसे ऑनलाइन क्लास को क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। तो आप जिस प्रकार के बोर्ड से संबंधित ऑनलाइन क्लास या मीटिंग लेना चाहते हैं उसको आपको यहां पर क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो हम CG बोर्ड से संबंधित ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो CG बोर्ड लिखेंगे। अगर हम CBSE से लेना चाहते हैं तो CBSE को क्लिक करेंगे। चूंकि मैं यहां पर CG बोर्ड से ऑनलाइन क्लास लेना चाहता हूं तो इसको मैंने क्लिक कर दिया है। अब यहां पर देखिए कक्षा चयन करें, आप जिस क्लास के लिए शेड्यूल बनाए हैं उस कक्षा को चयन कर लीजिए। यहां पर मैं कक्षा 8वीं लिख देता हूं। उसके बाद यहां पर देखिए बगल में विषय, तो विषय में लिख दूंगा गणित, ये हो गया। और इसके बाद यहां पर देखिए हमें क्या करना है, पाठ का चयन करना है। तो पाठ का चयन करेंगे, यहां पर हमें विजय व्यंजक चयन कर लेना है। यहां पर देखिए मैंने चयन कर लिया। अब क्या करना है, यहां पर आपको कक्षा का दिनांक, जिस दिन आप क्लास लेने वाले, तो मैंने 2 तारीख का सेट बनाया था तो मैंने 2 तारीख को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए यहां पर समय, हमने समय कितना बनाया था, 9:30, ये हो गया 9:30 AM करेंगे, है ना। यहाँ पर भी ध्यान देना है, आप जितना बजे क्लास लेने वाले हैं उसको AM और PM को बहुत ही सावधानी से भरिएगा। उसके बाद इसको सेट कर दीजिएगा। अब ये हो गया सेट। उसके बाद नीचे और देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन क्लास के लिए लिखा है और बगल में लिखा है अन्य के लिए, जैसे टेस्ट है, क्यूज प्रतियोगिता है, मीटिंग है, इसके लिए करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर सेटिंग करना पड़ेगा। तो मैंने ऑनलाइन क्लास के लिए किया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन क्लास के लिए लिंक, तो इसको मुझे लॉन्ग प्रेस करना है, मतलब यहाँ पर टच करके रखना है, उसके बाद पेस्ट को क्लिक कर देना है। तो मैंने अभी जो लिंक क्लिक किया था, कॉपी किया था, वो यहां पर आ गया है। अब मुझे क्या करना है, यहां पर देखिए ऑनलाइन क्लास बनाए नीले कलर में लिखा है, इसको मुझे क्लिक करना है। तो ये मैं क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करूंगा यहां पर एक इंटरफेस आता है जिसमें लिखा है ऑनलाइन क्लास बनाते समय वेबएक्स पर दूसरों का होस्टिंग राइट्स हटाना है। तो इसको होस्टिंग को हटाने के लिए अलग से प्रक्रिया होती है, उसको आप वहां से जाकर सेटिंग के माध्यम से हटा सकते हैं। तो इसको मैं ओके कर देता हूं। ये देखिए ओके करने के बाद यहां पर सफलतापूर्वक ऑनलाइन क्लास बन गया, ऐसा आ गया है। अब ये हमारा ऑनलाइन क्लास बन गया है। अब इसी लिंक को हमें शेयर करना है। कई बार शिक्षक साथी बोलते हैं सर इतना होने के बाद हमसे शेयर नहीं हो पाता है लिंक, तो ध्यान दीजिए दोस्तों यहां से बहुत आसान हो जाता है। यहां पर देखिए एक छोटा सा व्हाट्सएप का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये जो दिख रहा है ये व्हाट्सएप, इसको आप व्हाट्सएप को क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्ट ही आपके व्हाट्सएप में ले जाता है। ये देखिए व्हाट्सएप में ले गया। अब जिस व्हाट्सएप नंबर में आपने स्कूलों का ग्रुप बनाया होगा, अपने विद्यार्थियों का ग्रुप बनाया होगा, उस ग्रुप में यहां पर आपको क्या करना है, शेयर करना है। ध्यान दीजिए दोस्तों आप लोगों को CG स्कूल पोर्टल वाला लिंक ही शेयर करना है। ये देखिए तो ये वाला जो लिंक है ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो लिंक है ध्यान दीजिए, ये सिस्को वेबएक्स का है, जिस लिंक के माध्यम से हम CG स्कूल पोर्टल में कॉपी पेस्ट करते हैं। लेकिन हमें बच्चों को ये CG स्कूल पोर्टल वाला नीचे में जो लिंक दिखाई दे रहा है इसे ही हमें क्या करना होगा, शेयर करना होगा, और इसी क्लास के माध्यम से, इसी लिंक के माध्यम से बच्चे ऑनलाइन क्लास में जुड़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा और आप सब बहुत आसानी से CG स्कूल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन क्लास ले पाएंगे। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है तो इसे अपने शिक्षक साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।